अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक से, जो कि वेदर के हिसाब से मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। और जून चल रहा है जैसे आप लोग जानते हैं, और कुर्बानी के बाद एक दो दिन मौसम बेहतर था, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, थोड़ी बहुत ठंडी हवाएँ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज व्लॉग बना लिया जाए। फ्यू मंथ्स से जैसे कि आप लोग जानते हैं बॉयकॉट का सिलसिला जारी है, और मैं भी बॉयकॉट कर रही हूँ हर उस प्रोडक्ट का जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। सो दैट अब मैं स्विच कर रही हूँ लोकल प्रोडक्ट्स पे, जो कि हमारी पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें से मैं काफ़ी सारी यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी सईद गनी की प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं पिछले 3 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आता है ये फेस वॉश, ये मस्ट आप लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि फेस वॉश पहला स्टेप होता है स्किन केयर का, और मॉर्निंग स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे तकरीबन 3 वीक्स हो गए हैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, और इनके रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग हैं, जो कि मुझे 2 वीक्स में मिल गए थे। बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑथेंटिक क्वालिटी के साथ बहुत ही इनफ क्वांटिटी मिल जाती है, स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली हैं और जिनके पास 1 महीना 1.5 महीना या कम टाइम है प्रिपरेशंस के लिए, उनको मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। सईद गनी का ये विटामिन सी की किट है पूरी, जिसमें फेस क्रीम आती है, फेस लोशन आता है और फेस वॉश है। मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं 2 वीक्स के इस्तेमाल से, और इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगती है। हर कोई आपसे रोक रोक के आपको पूछेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। सो ये है कि बेयर मिनिमम मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करता ये आपको बिल्कुल भी। 2 वीक्स के अंदर अंदर इतना नरिशिंग, इतना सॉफ्ट कर देगी आपकी स्किन को कि आप जितना मर्जी हैवी मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, वो ऐसे अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नेचुरल लग रही होगी, जबकि आपने अच्छा खासा मेकअप यूज़ किया हुआ होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि फ्रूट्स का इंटेक आप लोगों ने ज़्यादा रखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉलर शॉप जगह जगह गली गली खुल चुके हैं, और मेरे घर के करीब भी एक बड़ा सारा बहुत ही बड़ा डॉलर शॉप खुल चुका था, और मैंने सोचा मैं यहाँ विज़िट करूँ और आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, मिट्टी के, प्लास्टिक के, सिरामिक के, और बहुत ही ज़्यादा वेराइटी थी यहाँ पर। ये कुछ बल्ब्स मुझे यहाँ पसंद आ रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ डैमेज थे, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी। प्राइसेस की बात कर ली जाए तो मिनिमम 150 से ले कर 3000-5000 तक की यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी, और ये वाले बाउल्स 200 रुपये के थे। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं टिफ़न्स थे, ये 800-700 के थे और अच्छी क्वालिटी के थे। इसके अलावा इनके पास बच्चों के लिए हर तरह के टॉयज़ की वैरायटीज़ थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। मिट्टी के बर्तन थे, कॉस्मेटिक्स थी, ज्वेलरी थी, बहुत बहुत ज़्यादा सामान था इनके पास, हर तरह की चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्सपेंसिव इनकी चीज़ें लगी हैं वो ये डेकोरेशन आइटम्स थी, जो बहुत ही आउट ऑफ बजट थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सो मैंने यहाँ से बाय कुछ भी नहीं किया, और फर्दर वीडियो में आप लोग मज़ीद भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे। जो बच्चों के यहाँ लंच बॉक्सेस और बॉटल्स अवेलेबल थी, ये सब थी तकरीबन 700, 800, 1200, 1700, 1800 तक की अवेलेबल थी, और बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सो ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये 2000 समथिंग में थी, और ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, बहुत कुछ इनके पास अवेलेबल था यहाँ पे। ये था जी डॉलर शॉप का पूरा विज़िट जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके बाद मैं चली गई थी यहाँ से, वाइंड अप करके घर चली गई थी। थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करने के बाद मुझे डिनर के लिए प्रिपरेशन करनी थी, और आज मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बाहर से खाने का, लेकिन बाहर वाली बिरयानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। एनीवेज़ मैंने घर आके बिरयानी बना ली और साथ में चना चाट बना ली, और चना चाट जो है मेरी मोस्ट फेवरेट है बिरयानी के साथ, ख़ास तौर पे वो भी अपने हाथ की। कुछ महीने पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय की थी MK कॉस्मेटिक्स से, और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन मैंने 1 महीने के इस्तेमाल की वजह मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए, और मैं आप लोगों के साथ आज इन्हीं का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड हैं।
हमने अपनी लोकल प्रोडक्ट्स पे स्विच करना है और हमारी लोकल प्रोडक्ट्स अब जब मैंने यूज़ करना शुरू किया है तो मैं हैरान रह गई हूँ कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जिनको हम अब तक इग्नोर करते आ रहे थे। अच्छा जी, मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रिव्यूज़ शेयर कर लूँगी कि ये बॉटल मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी और जितनी प्रोडक्ट्स थी एमके कॉस्मेटिक्स की मेरी एम्प्टी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी सारी। एमके कॉस्मेटिक्स का मल्टी एक्शन नाइट रिपेयर सीरम, ठीक है जी, मेरी बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। एप्लीकेशन इसकी बहुत ही स्मूथ है और थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। ये आपको आपके मॉइस्चर को रिटेन करती है बड़े लंबे अरसे तक आपकी स्किन में और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिड्यूस करती है, आपके ब्लैमिशेस को मिनिमाइज़ करती है। और मैन एंड वुमेन दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपका कोलेजन प्रोडक्शन जो है स्किन में वो उसको इम्प्रूव करती है, कंट्रोल करती है आपके ऑयल लेवल को स्किन में और लेस एक्नी प्रोन स्किन करती है आप जब भी इसको यूज़ करेंगे। एक बॉटल और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं सो दैट मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको अवेलेबल है। इससे पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी, ओरिफ्लेम का प्योरीफाइंग बूस्टर। और हमारा एमके कॉस्मेटिक्स का जो सीरम है ये बिल्कुल सेम वर्क करता है, क्योंकि मैंने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स छोड़ दी यूज़ करना, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एमके कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आधी बॉटल मैंने यूज़ कर ली थी, इसके बाद मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था। अगेन मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग भी बॉयकॉट करें उन सारे प्रोडक्ट्स को जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। हम लोग अपने लेवल पे जितनी कोशिश कर सकते हैं हम वो स्टेप्स लेंगे और बॉयकॉट ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे और सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। आप सब लोगों से, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ उन तमाम प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें ताकि हम अपने लिए स्टैंड ले सकें, हम अपने मज़लूम भाइयों के लिए, बहनों के लिए स्टैंड ले सकें और हम अपने लिए स्टैंड ले सकें। जितना आपसे हो सके आप कोशिश करें और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करें ताकि हमें। लिप बाम मैं यहाँ यूज़ करती हूँ को नेचुरल का, और को नेचुरल भी हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है और मैं काफ़ी लंबे अरसे से इसका लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। और मॉर्निंग स्किन केयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम स्किन केयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी ख़त्म होने वाला है, इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ओके जी, फर्दर मोर जिन लोगों की एज 20 प्लस है उनको मेरी तरफ से ये एमके कॉस्मेटिक्स का एज मिरेकल क्रीम रिकमेंडेड है। ये मैंने खुद यूज़ करके देखा है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने खुद इसे यूज़ किया काफ़ी लंबा अरसा। ये आपकी स्किन को ऐसे रिपेयर करती है और आपकी जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं और एजिंग साइंस हैं और आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाएं और कम हो जाएं तो आप लोगों के लिए ये वाली प्रोडक्ट बेस्ट है। एमके कॉस्मेटिक्स की एज मिरेकल क्रीम है जो कि इसके इस्तेमाल से आपके स्किन सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और ओवरनाइट आपकी स्किन का जो कोलेजन है उसको बूस्ट अप करती है, डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करेगी और आपकी रिंकल्स को, फाइन लाइंस को ख़त्म करके आपको यूथफुल लुक प्रोवाइड करेगी। सो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमके कॉस्मेटिक्स की एज मिरेकल क्रीम जो कि आपको नाइट टाइम में यूज़ करनी है स्किन केयर रूटीन में और डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ करेंगे। और ये मर्करी और स्टेरॉयड फ्री है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट जो है एमके कॉस्मेटिक्स की वो है क्लियर स्किन कॉम्प्लेक्शन क्रीम और मैंने बजाते खुद इसको यूज़ किया, 2 बॉटल्स में इसकी यूज़ कर चुकी हूँ। ये आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को कम करती है, आपकी स्किन को प्लम करती है, यंगर एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करती है, आपको ब्राइटन अप कर देती है, लाइट कर देती है बहुत ही आपकी कॉम्प्लेक्शन को। लेकिन हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसमें कोई मर्करी नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है और नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइट करेगी, ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा है जबकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और उसे बहुत ही कम कोई प्रोडक्ट सूट होती है। सो आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो मेरी तरफ से आप देख सकते हैं मेरा दूसरा जार है जो कि खाली है बिल्कुल, मैं इसको सारे का सारे यूज़ कर चुकी हूँ। गए थे थोड़ी देर में, बारिश होने वाली थी, थोड़ी सी क्लिप्स मैंने
कर ली थी, बना ली थी और डक्स भी इंजॉय करी थी। काफ़ी बेहतर हो गया था वेदर और मुझे इस तरह का वेदर बहुत पसंद है, इसलिए आप शायद फर्दर भी मोर वीडियोस में, व्लॉग्स में इस तरह के क्लिप्स ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जैसे ही मौसम बेहतर होता है मैं ज़रूर उनको क्लिप्स को रिकॉर्ड करती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस किस्म का वेदर पसंद है कि नहीं। अच्छा जी, शाम हो गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कुछ क्रिस्पी स्पाइसी खाने को। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ ये जो बर्गर पैटीज़ आप देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है द चीज़ को के नाम से, इनकी तरफ से ये समोसे और चिकन नगेट्स और चिकन पैटीज़ ये सब आए थे और सब इतने जूसी और इतने टेस्टी थे कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। इन सब चीज़ों के लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। द चीज़ को का लिंक मिल जाएगा आपको, एम के कॉस्मेटिक्स का लिंक मिल जाएगा और सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को वीडियोस में दिखाई, सईद गनी का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक पे जाके क्लिक कर लें और वहाँ से बाय कर लीजिए और फिर मेरे साथ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।